नमस्कार, मनी नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश अग्रहरी। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिहाज से एक अच्छा फैसला किया है। सेबी ने पैसिव फंड के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी ELSS लाने की इजाज़त दे दी है। इससे लोगों को टैक्स बचाने का एक और ऑप्शन मिल सकता है। सेबी ने 23 मई को जारी एक सर्कुलर में कई नए नियम कायदे जारी किए हैं। इनमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF और इंडेक्स फंड के बारे में नियम हैं। इससे निवेशकों को अब टैक्स बचाने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की जगह एक और विकल्प मिल गया है। ELSS में आयकर की धारा 80C के तहत 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर टैक्स बचाया जा सकता है। सेबी ने कहा है कि आगे चलकर म्यूचुअल फंड कंपनियां पैसिव फंड के लिए भी ELSS लॉन्च कर सकती हैं। जो फंड सक्रियता से मैनेज किए जाते हैं उन्हें एक्टिव फंड और जो निष्क्रियता से मैनेज किए जाते हैं उन्हें पैसिव फंड कहते हैं। पैसिव फंड असल में किसी खास इंडेक्स या बेंचमार्क की कॉपी करते हैं। ऐसे सबसे प्रचलित पैसिव फंड इंडेक्स फंड या ETF होते हैं। ये पैसिवली मैनेज्ड ELSS स्टॉक इंडेक्स पर आधारित होंगी और इनमें मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 250 कंपनियों को शामिल किया जाएगा। सेबी ने यह भी साफ किया है कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे तो एक्टिव तरीके से मैनेज होने वाली ELSS लाए या पैसिव तरीके से मैनेज ELSS, वह चाहे तो दोनों तरह की स्कीम भी ला सकती है। इससे वास्तव में नए जमाने की उन म्यूचुअल फंड कंपनियों को फायदा होगा जो पैसिव स्कीम पर फोकस कर रही हैं, यानी उनके लिए भी अच्छी खबर है। इसके अलावा सेबी ने ETF और इंडेक्स फंड जैसे पैसिव फंड्स को मैनेज करने के लिए एक ढांचा भी तैयार किया है। सेबी ने कहा है कि ये नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे और ये पहले से चल रहे सभी ETF और इंडेक्स फंड पर भी लागू होंगे। इस नए ढांचे के तहत रेगुलेटर ने डेट ETF और इंडेक्स फंड के लिए नियम कायदे, ETF के लिए मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एवं अवेयरनेस फीस, डिस्क्लोजर रूल और अन्य प्रावधान लागू किए हैं।